नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेणु गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्लेरेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होंगे। पीडीएफ इसका दोस्तों आपको माय टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो डिक्टेशन को लिखिएगा, मैच करा के पीडीएफ से मैच करा के कमेंट में जरूर बताना कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी तैयारी आपकी हो रखी है, और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड स्टार्ट। स्पीकर साहब, हम लोग अपने देशवासियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए अब अनाज पैदा करने में लगे हैं, और उसमें से आप कुछ बचाकर भी रख सकते हैं। आपके द्वारा जो बहुत बड़ी योजनाएं अभी तक चालू की जा सकी हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि उनमें से तथा आप में कई हजार लोगों को बिजली दी जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर अधिक मात्रा में योजनाओं के परिणामों के फलस्वरूप बहुत ही अच्छी प्रत्येक भूमि में सिंचाई होने लगी है। मुझे संतोष है कि हमारे देहातों में विकास के नाम पर सुचारू रूप से कार्य आगे बढ़ रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से और यहाँ के लोगों की ओर से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे देश के अंदर जो कुछ मुख्य समस्याओं के माध्यम से उस बात के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जैसे इस देश में गेहूं के उत्पादन का प्रश्न है, उसे उत्पन्न करने का सवाल है, किस तरीके से उसे तैयार किया जाए, सरकारी योजना को अच्छे ढंग से लागू करके या मेहनत के आधार पर कैसे भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि देश को इस संकट से आगे बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादित वस्तुओं की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष जी, देश की तरक्की के लिए यह आवश्यक है कि बैंक से उद्योग लगाने की तुलना में अधिक से अधिक कृषि यंत्रों के लिए ऋण उपलब्ध करा दिया जाए। मुझे आशा है कि इस योजना के दौरान उनका क्रियान्वयन बराबर ठीक ढंग से हो रहा है, यदि नहीं तो अवश्य ही होना चाहिए। आपसे मेरा बार बार अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसका निरीक्षण किया जाए। मेरा निवेदन है कि, और जहां तक मैं समझता हूं कि यह बड़े चिंता का विषय है, नागरिकों का प्रगति का संबंध है, वह देश की उन्नति से संबंधित है। सब लोग इस देश के नागरिक हैं। प्रदेश के अंदर सहायता के रूप में जनसंख्या के अनुपात में और उचित मात्रा में अन्न दिया जाना अति महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा करने के बाद मुकाबले से इसकी पूर्ति की जाए। श्रीमान स्पीकर जी, प्रायः हमारे देश के निवासी, जिनमें हजारों श्रमिक मजदूर जात के आधार पर बच्चों को रोजी रोटी उपलब्ध कराने के लिए, किंतु कृषक जन गांवों में सड़क के सवाल पर, खाद के अभाव में, विद्यार्थी स्कूल के अभाव में, इस देश का नेता गरीबी मिटाने के लिए आदि इत्यादि संकटों के बारे में जूझ रहे हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि सरकार को चाहिए कि पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं में संशोधन कर नए अनुसंधानों एवं संसाधन जुटाकर संशोधित सरल योजना तैयार करे, न केवल बाधाओं बल्कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवश्य कदम उठाए जाने चाहिए। बड़े पैमाने पर कब उन्नति की दिशा में ध्यान दिया जाए, कौन से तरीके अपनाना चाहिए, उस संबंध में शासन को ऐसा करना चाहिए कि सभी मंत्रियों को उन समस्याओं पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श करने से पहले उन्हीं में से जनसंख्या के अनुपात में बांट लेना चाहिए। आमतौर से योजना के सही संचालन हेतु
हमेशा जनता का सहयोग लें और अधिकांश गुंजाइश से कमेटी द्वारा इसका ख्याल रखा जाए। आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राज्य विधानसभा में आयोजित विशेष बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि देश और समाज आज भी अनेक गंभीर बुराइयों से घिरा हुआ है और जब तक हम देश को इन बुराइयों से आज़ाद नहीं करा लेते, सही मायनों में आज़ादी को मुकम्मल नहीं माना जा सकता। उन्होंने गरीबी, जहालत, असमानता, भ्रष्टाचार और फिरकाप्रस्ती से लड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि इन बुराइयों से आज़ादी ख्वाहिश और बातें करने से नहीं मिलेगी। हम आज भी अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं और हर हिंदुस्तानी को इस बारे में संजीदगी से ज़रूर सोचना चाहिए कि हम उन देशों से इतने पीछे क्यों चल रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ या हमारे बाद आज़ादी हासिल की थी। आज भी देश की करीब आधी आबादी अनपढ़ है, एक तिहाई आबादी गरीबी की सतह से नीचे जी रही है और करोड़ों बच्चे प्राइमरी शिक्षा से भी महरूम हैं और बदकिस्मती से कुछ गंभीर बुराइयां हमारे मुल्क में घर किए हुए हैं। इन बुराइयों के रहते कई बार चारों तरफ से नाउम्मीदी की बातें उठने लगती हैं और देश के भविष्य पर प्रश्नवाचक निशान लगता दिखाई देता है। श्री कुरैशी ने कहा कि ऐसे में हमें निराशा से नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। हर देश के इतिहास में ऐसी चुनौती भरे मोड़ आते हैं। हम इससे कहीं बड़ी चुनौतियों पर विजय पा चुके हैं और हम इस दौर की परीक्षा भी जरूर सफल होंगे। राज्यपाल ने कहा कि इस पवित्र बेला में आज हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम खुदगर्जी, फिरक परस्ती और हर तरह से जंग तंग नज़रिए से ऊपर उठकर अपनी तदबीर से ऐसा भारत रचेंगे जो भाईचारे, सामाजिक इंसाफ, आर्थिक तरक्की और इंसानी तहजीब की एक सुनहरी मिसाल होगा। आज का दिन हमारी सभ्यता के पुनर्जागरण का दिन है। आज जब ऐसे मुबारक दिन के 50 साल पूरे हो रहे हैं, हम इसका जितना भी उत्सव मनाएं कम है। पिछले 50 सालों से हमने कई कुदरती लड़ाइयां और पड़ोसियों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन ऐसी हर चुनौती का हमने कामयाबी से सामना किया और उससे पहले से अधिक मजबूत होकर निकले। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री निवास तिवारी ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी सत्ता को हटाना ही नहीं होता है, अपितु स्वराज्य भी स्थापित करना होता है। आज़ादी का लाभ सबको मिल सके, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व सामाजिक चेतना को विकसित करना होता है, न कि उसकी भावनाओं को उभारना। एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं से सदन को अवगत करवाते हैं ताकि उनका समाधान निकल सके। यह प्रणाली तभी सफल और सुदृढ़ हो सकती है जब हम संयम और अनुशासन के साथ संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को भी ध्यान में रखकर आचरण और व्यवहार करेंगे। महोदय, जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने वहाँ यह सुना था और वहाँ उच्च स्तरीय सरकारी क्षेत्रों में ऐसी भी चर्चा थी कि प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की दिशा में शीघ्र ही बहुत कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी साहसपूर्ण कदम उठाकर प्रधानमंत्री एवं उनके सहयोगी मंत्रियों ने तरह तरह के उद्योग धंधों के विकास हेतु अभी तक तैयार की गई विधि योजनाओं पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्राप्त समाचार के अनुसार गुजराल साहब ने देश के विभिन्न हिस्सों का हाल ही में जो दौरा किया है,
के दौरान उन्होंने वहां के आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक पिछड़ेपन को यथाशीघ्र दूर करने की तीव्र आवश्यकता अनुभव की है। आधारभूत संरचना पर विशेष जोर देते हुए प्रधानमंत्री कुछ प्रदेशों के अंदर विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि हेतु कुछ ठोस योजनाओं को आगामी कुछ महीनों के भीतर शुरू करवाने की बात गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं। कतिपय सूत्रों से ऐसा भी मालूम हुआ है कि वे उदार आर्थिक नीतियों को जारी रखने के पक्ष में हैं और वे यह भी चाहते हैं कि इस नीति का लाभ केवल समृद्ध उद्योगपतियों को नहीं बल्कि अल्प आय और मध्य वर्ग की जनता को भी मिलना चाहिए। स्टाफ ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है।